राजद के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 9 और 10 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में आयोजित है। हालांकि इस बैठक की शुरुआत होने में अभी 24 घंटे से ज्यादा का वक्त है, लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यालय में काफी गहमा गहमी। अभी हमें आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यालय, जो केंद्रीय कार्यालय इसका कहा जाता है, 13 बीपी हाउस रफी मार्ग नई दिल्ली में, और कल राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी जिसमें पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री और पार्टी के बड़े नेता उसमें शामिल होंगे, और 10 अक्टूबर को पार्टी का खुला अधिवेशन होगा, या यूं कह सकते हैं कि उस अधिवेशन में खुली आम सभा होगी तालकटोरा स्टेडियम में। लेकिन आरजेडी के प्रदेश राष्ट्रीय कार्यालय में उत्सव सा माहौल है, और आप देख सकते हैं कि सवेरे से ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी के सभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और अधिकांश नेता, यूँ तो इस जो राष्ट्रीय कार्य समिति है उसमें लगभग 25 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार के अधिकांश नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, और यूँ कह सकते हैं कि पूरा का पूरा बिहार यहाँ पे उतर गया है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, रणनीति बनी है। मनोज झा जी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, प्रवक्ता हैं। सर, 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय कार्य समिति आपकी बैठक है, आपकी फिर खुला अधिवेशन है, क्या उसमें मुख्य रूप से? देखिए, मूलतः हमारी जो एग्जीक्यूटिव है कार्य समिति, उसकी 9 को बैठक है और 10 को खुला अधिवेशन है। जाहिर है देश के हालात अभी जो हैं, और जिसके मद्देनजर हम सब मानते हैं कि लालू जी ने जो 14 में कहा था कि इनके आने से देश टूटेगा या बचेगा, आज वो क्षण हम देख रहे हैं। इसलिए बिहार के सीएम और हमारे डिप्टी सीएम नीतीश जी ने एक फैसला लिया कि हम सबको साथ आना, ताकि हम आर्थिक बदहाली रोक पाएं, सामाजिक तनाव खत्म कर पाएं और मूल मुद्दों पर बातचीत हो। मैं समझता हूं अधिवेशन और कार्य समिति का संदेश यही है कि पूरे देश में बिहार जैसी चीजों की संभावना, जैसे वहां बदलाव आया, बदलाव की बयार टटोली जाए। 5 जुलाई 1997 के बाद, लगभग 25 वर्षों के बाद, आरजेडी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हो रहा है। 2024 का चुनाव सामने है, क्या है 12वीं बार? नहीं नहीं, लालू जी की बस एक लाइन, लालू जी की ताजपोशी नहीं हो रही है, ताजपोशी राजतंत्र का शब्द है। उनकी जमीन से जो आवाज आ रही है ना, वो जिम्मेवारियां उनके कंधे पे पुनः दी जा रही है, और दिल्ली में इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली दूर नहीं। शक्ति यादव है प्रवक्ता, क्या कहेंगे हस्तिनापुर से, पाटलिपुत्र से हस्तिनापुर की यात्रा? देखिए, बिहार परिवर्तन के कई गवाह रहे, और बिहार से जो परिवर्तन का संदेश दिया गया है, वो संदेश पूरे देश के अंदर में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, समान विचारधारा वाले जो दल हैं वो सब लामबंद हो रहे हैं, और जो बिहार ने एक नजीर पेश की है वो संभावनाएं पूरे देश में दिख रही है। 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, ये पूरी तरह से लामबंदी इस बात का प्रतीक है। 2024 के महाभारत कई का एक तरह से ये 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, तो देख लीजिए कि आरजेडी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनमें भारी उत्साह है, और वो ये मान रहे हैं कि पार्टी की जो रणनीति है वो रणनीति यही है कि 2024 के चुनाव में किस तरह बीजेपी के विरोध में और नरेंद्र मोदी जी के विरोध में रणनीति बने। हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं श्याम रजक जी। 2 दिवसीय जो ये बैठक आयोजित है कि राष्ट्रीय कार्य समिति की और फिर ओपन सेशन, क्या मुख्य रूप से इसमें एजेंडा रहेगा, क्या रहेगा? हमारा पहला तो है कि हमारे हर 3 साल पर हमारा चुनाव होता है, राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आउटगोइंग की कल है, उसके बाद परसों हमारा राष्ट्रीय परिषद और खुला अधिवेशन है, और इसमें हम राजनीतिक जो आज वर्तमान व्यवस्था है, आर्थिक जो वर्तमान व्यवस्था है, और विदेश नीति पर हमारा प्रस्ताव होगा। फिर जो 3 सालों का हमारा संगठन के जो गतिविधियां रही है उस पर प्रतिवेदन दिया जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों पर जो आज वर्तमान में जो देश को जो भयंकर रूप में ले जाने जा रही है बीजेपी की सरकार, और उस सरकार के द्वारा जो भारत को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है, और यहाँ पर जिस तरह से मनुवाद व्यवस्था को कायम करने की, जिस तरह से आर्थिक गुलामी बनाने की काम की जा रही है, 2 लोग बेचने वाले हैं, 2 लोग खरीदने वाले हैं, और 2 लोग उसको व्यापार करने वाले लोग हैं, यही चल रहा है। तो इन सारे चीज़ों पर पूरे आंकड़ों के साथ देश को हम इस सम्मेलन के माध्यम से बताने का काम करेंगे, और इस पर आगे के कार्यक्रम के माध्यम से
हम संघर्ष से भी कार्यक्रम तय करेंगे। लगभग 25 वर्षों के बाद पहली बार राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। नहीं, हमारा हर तीन साल पर होता है, इस बार दिल्ली में हो रहा है। क्या लगता है कि बिहार में जिस तरह से सत्ता बदली है, आरजेडी के हाथ में फिर सत्ता आई है, लगता है कि पाटलिपुत्र से हस्तिनापुर की यात्रा का एक तरह से कहिए कि आगाज होगा? ये तो इतिहास रहा है पौराणिक काल से। बिहार ने जब जब करवट बदला है तो देश में परिवर्तन हुआ है। पुराना इतिहास है, शुरू से आध्यात्मिक काल में देखें, आज़ादी के काल का देखें, आप व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का देखें, जेपी आंदोलन का देखें, या सामाजिक क्रांति की लड़ाई देखें, हर समय। तो इस बार बिहार ने देश को दिशा देने का काम किया। जो सरकार बनी है, तेजस्वी जी और नीतीश जी की जो सरकार बनी महागठबंधन की, उसमें राष्ट्रीय जनता दल की एक बड़ी भूमिका रही। और इस भूमिका के बाद देश में जो निराशा के बादल छाए हुए थे, वो लोगों को एक आशा के केंद्र बनी है, और देश में एकजुटता बनाने की एक पहल हुई है। और उस पहल का लाभ होगा कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जो फासिस्ट सरकार है, ऐसे को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारी मजबूत रणनीति बनेगी। हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, आइए हम सीधे उनसे भी बात करते हैं। सिद्दीकी साहब, आज पुण्यतिथि है जेपी की, और उसके तुरंत बाद आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, फिर खुला अधिवेशन, क्या इसका संकेत है? जेपी आंदोलन से ही आप लोगों ने सत्ता परिवर्तन का आगाज किया। देखिए, मैं जेपी को राष्ट्र भुला नहीं सकता है। उनका चाहे स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान रहा हो, सर्वोदय में जो योगदान रहा हो, और फिर राजनीति का नई दिशा देने में जो योगदान रहा हो, तो जेपी महापुरुष थे, उनकी पुण्यतिथि थी, तो उनके जन्मदिन को, पुण्यतिथि को हम लोग भूलते नहीं हैं, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और संकल्प करते हैं कि उनके बताए रास्ते को जितना हो सकता है उसको अपने में लागू करें। तो एक तो ये पुण्यतिथि का, 2024 की तैयारी है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका अपना संविधान है, और जो हमारा संविधान है वो जो देश के संविधान से अलग कोई संविधान नहीं होता, तो उस संविधान को बनाया जाता है कि हमारे संकल्प क्या क्या हैं, हमारी प्रायोरिटी क्या है करने का। तो उस संविधान के आधार पे मतलब राष्ट्रीय पार्टी भी बनती है, राज्य स्तर की भी पार्टी बनती है, जिला स्तर की भी बनती है, और प्रखंड और पंचायत स्तर की पार्टी बनती है। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है कि पार्टी का सदस्यता ग्रहण करने का एक ड्राइव चलता है, फिर जो है नीचे लेवल पे चुनाव होता है। लेकिन 25 वर्षों के बाद फिर से दिल्ली में सम्मेलन, ये स्थापना के बाद पहली बार, और उसमें भी 25 प्रतिनिधियों को बुलाया है। अरे भैया मेरे, ऐसा है कि दिल्ली में इधर नहीं हुआ था, मगर पहले ऐसा थोड़ी है कि हमारा सम्मेलन यहाँ नहीं हुआ, हमारा सम्मेलन कई बार हुआ है यहाँ। और हम लोग जो है समीक्षा करते हैं देश की, हालात कैसे हैं, आर्थिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक स्थिति कैसी है, और इस पर हमारे पार्टी का स्टैंड क्या है, वो स्टैंड देने के लिए और निर्णय लेने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है कल, और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग है, और उस मीटिंग में जो फैसले होंगे, जो प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, उससे फिर आपको अवगत कराया जाएगा। ठीक है, तो पार्टी के जो नेता हैं वो ये मान रहे हैं कि जो देश के वर्तमान हालात हैं, उस हालात को देखते हुए आरजेडी की जो है सो भूमिका महत्वपूर्ण है, और आरजेडी का ये अधिवेशन का यही मुख्य उद्देश्य भी है। तरवीर जी, क्या लगता है, क्या ये जो दो दिवसीय आप लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, देखिए जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है तो कोई धर्मशाला तो है नहीं, हमारा राजनीतिक गोल है, राजनीतिक गोल में इलेक्शन भी अनिवार्य है,
तो इलेक्शन के अर्थ तो स्वाभाविक है कि 24 का 25 का जो भी तैयारी पार्टी करती है, संगठन करती है, सम्मेलन करती है, उसमें ये तो निहितार्थ रहता ही है कि हम चुनाव की तैयारी सम्मेलन कर रहे हैं, हम चुनाव के लिए अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, सशक्त बनाएंगे, तभी हम चुनाव में आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह से लालू जी, नीतीश जी ने विपक्षी एकता की पहल की है, उसका संकेत यहाँ से भी आपके नेता देंगे जो अनेक राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद रहे? चाहती है ये राष्ट्रीय जनता दल, तो चाहती है कि हमारा राष्ट्रीय गोलबंदी हो। लगातार राष्ट्रीय दल अपने सब सम्मेलन में ये मांग करती रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम किसी भी भाजपा विरोधी गोलबंदी का समर्थन करते हैं, और उस गोलबंदी के सिलसिले में हमको जो करना पड़ेगा हम करेंगे। और हमको लगता है कि हमारे नेताओं की भी स्पष्ट राय है कि जब तक हम राष्ट्रीय स्तर पर गोलबंदी नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई हमारी जमेगी नहीं। हमारे साथ जयप्रकाश यादव हैं, पूर्व मंत्री हैं, सांसद रहे हैं। जयप्रकाश जी, ये दो दिनों के जो सम्मेलन है, अरे भैया, इसका नवो युवा वगैरह कहें तो क्या क्या उद्देश्य है? क्योंकि 2024 के चुनाव में तो अभी काफी देर है, लेकिन जो रणनीति है वो अभी से ही बननी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अधिवेशन और दो दिवसीय कार्यक्रम तय है। 9 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और 10 तारीख को राष्ट्रीय परिषद और खुला अधिवेशन होगा, जिसमें देश भर से हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं और सम्मानित नेता हैं सभी उपस्थित रहेंगे। और यह हमारा संगठन का चुनाव है, प्रत्येक हर जो है मसौदे के साथ हम 9 तारीख को आएंगे। राजनीतिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, वैदेशिक नीति का प्रस्ताव, और फिर हमारा जो प्रतिवेदन है कि हम संगठन के माध्यम से देश भर में, राज्यों में व्यापक कितना हम संगठन का कार्य किए हैं, संघर्ष का कार्य किए हैं, आंदोलन किए हैं, जनता के सवालों को, समस्याओं को उठाने का काम किए हैं। यह आप जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी संघर्ष की उपज है, समाज के अंतिम जन और समाज के में सद्भावना, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा बना रहे, इसके लिए देश में एक से एक मुसीबत आया, मुसीबत को आज भी झेल रहे हैं, झेलते रहेंगे, लेकिन कभी सांप्रदायिक ताकतों से आदरणीय लालू जी ने समझौता नहीं किया, कभी करेंगे भी नहीं। इसलिए आदरणीय लालू जी जिस मिशन का जो है संदेश आदरणीय लालू जी देते रहे हैं कि हम संविधान के प्रति जो है हम जो है वफादार हैं, हम लोकतंत्र के प्रति वफादार हैं, जो हमारी धर्मनिरपेक्षता है, जो हमारी सामाजिक न्याय, जो नफरत फैलाने वाली ताकत है, उसको अगर सबक सिखाने का काम, उससे लोहा लेने का काम कोई सबसे मजबूत पिलर के रूप में और राजनेता के रूप में देश में करने का काम किए हैं, उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। मतलब और तो अब तो और भी हमको एक युवा शक्ति के रूप में आज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जो है सामने हैं, जिसमें युवाओं का भी आकर्षण और पार्टी के सभी लोगों का आकर्षण है। इसलिए हम दो दिन के सम्मेलन में जो राजनीतिक प्रस्ताव होगा, जो हमारा आर्थिक प्रस्ताव होगा, जो संगठन का प्रस्ताव होगा, उसको उसके माध्यम से देश भर में संगठन को मजबूत करें। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी हैं उदयनारायण चौधरी जी। सब कुछ हो गया है, केवल लालू प्रसाद यादव जी 12वीं बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। चुनाव लगभग संपन्न हो चुका है, क्या होगा? राष्ट्रीय जनता दल का 3 साल के लिए प्रखंड पंचायत से प्रखंड, जिला और राज्य का सबका चुनाव होना है। उसी प्रक्रिया को पिछले सदस्यता अभियान चला 2015
फरवरी से, 22 के फरवरी से, 2022 के फरवरी, और अब समाप्त होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव की घोषणा होनी है अगले 9। आकर्षण और पार्टी के सभी लोगों का आकर्षण है, इसलिए हम 2 दिन के सम्मेलन में जो राजनीतिक प्रस्ताव होगा, जो हमारा आर्थिक प्रस्ताव होगा, जो संगठन का प्रस्ताव होगा, उसको उसके माध्यम से देश भर में संगठन को मजबूत करें। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी हैं उदय नारायण चौधरी जी। सब कुछ हो गया है, केवल लालू प्रसाद यादव जी 12वीं बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। राष्ट्रीय जनता दल का 3 साल के लिए प्रखंड पंचायत से प्रखंड, जिला और राज्य का सबका चुनाव होना है। उसी प्रक्रिया को पिछले सदस्यता अभियान चला 2000 फरवरी से, 22 के फरवरी से, 2022 के फरवरी, और अब समाप्त होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव की घोषणा होनी है अगले 9 और 10 तारीख को। कल यानी कल 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और 10 अक्टूबर को खुला अधिवेशन होगा जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा की जाएगी और बाकी सब जो विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि, साथी, अधिकारी, पदाधिकारी पार्टी के आए हैं, सब लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। तो ये है 2 दिवसीय आरजेडी का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। और दूसरी बात है कि इस बैठक के जरिए एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे देश में आरजेडी के कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि 2024 के चुनाव की तैयारी किस तरह करनी है और इसमें जो विपक्षी एकता है उसको किस तरह से मजबूत करना है, हर बूथों पर किस तरह से आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और पार्टी के संगठन को मजबूती देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद आरजेडी के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है और इसका असर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर केंद्रीय नेताओं के चेहरे पर देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि आरजेडी के इस 2 दिवसीय अधिवेशन में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव क्या संदेश देते हैं और इसका क्या असर दिखता है। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, नई दिल्ली।